नमस्कार, आप सभी का फिल्मी वृत्तांत पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पारिवारिक फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म के कलाकारों के बारे में। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसी करनी वैसी भरनी एक फैमिली ड्रामा और कॉमेडी फिल्म है जिसे रिलीज किया गया था 2 जून 1989 को। इस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा था गोविंदा, किमी काटकर, कादर खान, असरानी, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, शोभा आनंद, महमूद जूनियर, पेंटल, राजेश पुरी, विकास आनंद, भारत भूषण, सीमा देव, दिनेश सुंगू, जावेद खान इत्यादि। इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बिमल कुमार ने, जिन्होंने साल 1988 में आई दरिया दिल, साल 1994 में आई दुलारा, साल 1997 में आई तराजू, साल 1999 में आई राजा जी जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर चुके हैं। इस फिल्म की कहानी प्रोडक्शन कंपनी शिवम चित्र के सौजन्य से था। स्क्रीन प्ले लिखा था ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने, डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने। इस फिल्म का निर्माण शिवम चित्र के बैनर तले हुआ था। इस फिल्म में संगीत दिया था राजेश रोशन ने, गानों के बोल लिखे थे इंदिवर ने। इस फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे जिनको अपनी मखमली आवाज़ से सजाया था नितिन मुकेश, मोहम्मद अजीज, कुमार सानू, शब्बीर कुमार, साधना सरगम, सपना मुखर्जी इत्यादि ने। इन गानों के बोल थे आया आया यार का सलाम, आज के बच्चे भी आजा खेलें गेम कोई, महके हुए तेरे लब के गुलाब। और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जैसी करनी वैसी भरनी का 2 वर्जन। इस फिल्म के गाने काफ़ी मेलोडियस हैं और लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किए गए थे। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग जैसी करनी वैसी भरनी कल्ट क्लासिक गीत है। आइए बात कर लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म का बजट था 1,50,00,000 रुपये और इस फिल्म ने भारत में कुल कमाई की थी 4,20,00,000 रुपये की और दुनिया भर में कुल कमाई की थी 8,50,00,000 रुपये की। और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। 2 घंटे 48 मिनट लेंथ की इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.7 रेटिंग मिली हुई है। आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, जैसी करनी वैसी भरनी साल 1989 में कमाई करने के मामले में 7वें नंबर पर थी। अगर साल 1989 की टॉप 3 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात की जाए तो पहले नंबर पर थी मैंने प्यार किया, जिसने 14 करोड़ रुपए की कमाई करके ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दूसरे नंबर पर थी राम लखन, जिसने 9 करोड़ रुपए की कमाई करके सुपर हिट साबित हुई थी। तीसरे नंबर पर थी त्रिदेव, जिसने 8,50,00,000 रुपए की कमाई करके सुपर हिट साबित हुई थी। फैक्ट नंबर 2, माना जाता है कि बिमल कुमार ने गोविंदा के डूबते करियर को इस फिल्म से बचा लिया था। साल 1989 गोविंदा के लिए काफी खतरनाक साल साबित हो रहा था कि तभी इस फिल्म ने आकर उनकी पहचान गली में भटकते रोमियो से बदलकर घर परिवार वाले इंसान की तरह कर दी। गोविंदा ने अपने करियर के पहले इस साल में लव 86 और इल्जाम जैसी 2 सुपरहिट फिल्में देकर स्टार बनने की तरफ अपने कदम मजबूती से बढ़ा दिए थे, लेकिन बीच में गोविंदा की फिल्में ज्यादा सफल नहीं हो रही थीं। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी जो 2 जून 1989 को रिलीज हुई थी, इस फिल्म ने गोविंदा को पारिवारिक दर्शकों का दुलारा बना दिया। बिमल कुमार और गोविंदा की जोड़ी ने कुल 8 फिल्मों में काम किया, जिसमें दुलारा, जैसी करनी वैसी भरनी, राजा जी, छोटे सरकार, कर चुकाना है, दरिया दिल प्रमुख फिल्में हैं। फैक्ट नंबर 3, जैसी करनी वैसी भरनी फिल्म साल 1976 में आई बॉलीवुड फिल्म संतान से प्रेरित थी, जिसमें जितेंद्र, रेखा, अशोक कुमार मुख्य भूमिका में थे। फैक्ट नंबर 4, किमी काटकर इससे पहले भी गोविंदा के साथ फिल्म मेरा लहू, शिव शक्ति और दरिया दिल में काम कर चुकी थी। बता दें कि दरिया दिल ही वो पहली हिंदी फिल्म है जिसमें सुपरमैन और स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम्स के लीड कलाकारों ने इस्तेमाल किया था। जैसी करनी वैसी भरनी में भी किमी काटकर और गोविंदा की जोड़ी खूब जमी, लेकिन दोनों ने जो ड्रामे रवि वर्मा के माता पिता को लाइन पे लाने के लिए किए उस पर दर्शकों ने खूब तालियां बजाई। फैक्ट नंबर 5, गोविंदा के बचपन का किरदार इस फिल्म में नील नितिन मुकेश ने निभाया है। फिल्म में उनके पिता नितिन मुकेश का गाया गया कालजयी गीत, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख है दुख है क्या कर्मों का फल, जैसी करनी वैसी भरनी, ये गीत फिल्म में 2 बार आता है। एक बार इसे नील नितिन मुकेश पर फिल्माया गया है और दूसरी बार गोविंदा पर। फैक्ट नंबर 6, राजेश रोशन ने इस फिल्म में पहली बार एक गाने में गायक कुमार सानू को मौका दिया था, जिसे उन्होंने सपना मुखर्जी के साथ गाया है। बता दें कि कुमार सानू इसके अगले साल आशिकी के गाने गाकर म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म के रिलीज से 1 साल पहले दरिया दिल फिल्म रिलीज हुई थी, जिसे बिमल कुमार ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था, जिसमें जैसी करनी वैसी भरनी के सभी मुख्य कलाकारों ने अभिनय किया था और दोनों फिल्मों का आधार भी एक था और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थीं। मित्रों, आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी
जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।